तो मैं हूँ विकास, ए टैलेंटेड वीडियो एडिटर। अबे ओ बाजो टैलेंटेड वीडियो एडिटर, गजब बेइज्जती। हाँ, I hate my editing schedule. Like, कौन ही प्यार करेगा इससे? So, बोटो फाइवर खोलो, जीमेल खोलो, व्हाट्सएप खोलो और काम करो। So, बोटो फाइवर खोलो, जीमेल खोलो, व्हाट्सएप खोलो और काम करो। So, बोटो फाइवर खोलो, जीमेल खोलो, व्हाट्सएप खोलो और काम करो। जान लीजिए, थक गया होंगे काम करते करते। थक गया हूँ ब्रो, सीक्वेंस में क्लिप डालते डालते। अबे ओ, यहाँ क्या कर रहे हैं? मम्मी बुला रही है, ईशान ने तेरा माउस तोड़ दिया। हेलो, हाँ आंटी। अच्छा, अरे वो काला काला क्या जिसमें छोटी सी वायर लगी है? हार्ड डिस्क। हाँ हार्ड डिस्क, हाँ वो भी तोड़ दी। ऋषभ, मेरे घर का वो बच्चा, ऋषभ मेरे घर का वो बच्चा जो है 2 साल का, पर इसकी हरकत भी 2 साल की है। जहाँ बाकी बच्चे खिलौने के साथ खेल रहे होते हैं, वहाँ ये चुम मॉस के साथ खेल रहा होता है। और खेलता है भी नहीं है, उसे तोड़ने के नाकाम कोशिश करता है, पर रास्ता तोड़ भी दिया। सो बैक टू द टॉपिक, कहाँ थे मैं? पैसा। और इतने काम करने के बाद मुझे मिलता क्या है? झा। ब्रो गाली क्यों दे रहा है? गाली थोड़ी दे रहा था, झा बोला ना तूने अभी। अरे झा के बहुत मतलब होते हैं, जैसे कि झाड़ी, झारखंड, झांकी, झालो, झमेला। वो वैसे इन सबका मतलब क्या होता है? झाड़ी, झाड़ी का मतलब होता है कोई तीखी मोटी चीज। झारखंड, झारखंड एक जगह का नाम है इंडिया में। झांकी, झांकी का मतलब होता है दूर से देखना या कहीं से पीक लेना। झालो, झालो, ये एक सेकंड, ये मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं एक 20 साल का लड़का हूँ, पर मेरे अंदर 20 साल वाली कोई सी भी खूबी नहीं है। कोई दोस्तों को घुमा रहा है, कोई लड़की घुमा रहा है, कोई खुद घूम रहा है, कोई अपने पेरेंट्स को घुमा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। कोई दोस्तों को घुमा रहा है, कोई लड़की घुमा रहा है, कोई खुद घूम रहा है, कोई अपने पेरेंट्स को घुमा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई हिला। साले राकेश, ये तो क्या कर रहा है? ब्रो कुछ नहीं, वो पेन से चिल रहा था। एक हाथ से और दूसरी तरफ मैं 4x4 के रूम में अपने 50 करोड़ धर्म सेटअप पे बैठा एडिटिंग कर रहा होता हूँ। बस एडिटिंग। देखो यार, मेरे पास बताने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि मेरा शेड्यूल ही यही है। स्टार्टिंग में मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि नया नया प्यार और एडिटिंग। इसकी वजह से मेरी सोशल लाइफ बिल्कुल भी नहीं है। लाइक मेरे पास दोस्त है पर मैं उनके साथ घूम नहीं सकता, मेरे पास गेम्स है पर मैं खेल नहीं सकता, मेरे पास मूवीज है पर मैं देख नहीं सकता, मेरे पास नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस सबका सब्सक्रिप्शन है पर मैं नहीं देख सकता। और अदर साइड देखा जाए तो खुश भी, क्योंकि जब मेरे पास कोई नहीं था तब एडिटिंग ऐसी चीज थी जिससे मेरा माइंड फ्रेश होता था और एक तरीके का मेरे लिए पेन किलर। और यही थी जिसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ का कोई पर्पस जाना है और जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ से प्यार करता हूँ। नहीं तो भाई 18 साल की उम्र में मैं तो अपनी लाइफ से हार चुका था। बस ये एक चीज थी जिसने थोड़ा बहुत मुझे सहारा दिया। तो यार बस हो गया, होपफुली ये वीडियो तुम्हें पसंद आई और लाइक कर देना और कमेंट्स में बता देना।